हे भगवान यह नौकरी कद लगेगी। अब फिलहाल मेरे बहुत सारे एग्जाम क्लियर हैं, मैंने हरियाणा पुलिस का भी दिया था वो भी क्लियर है, मेरा एक दुर्गा शक्ति वाला भी क्लियर हुआ था, उसके बाद मेरा चंडीगढ़ पुलिस वाला भी एग्जाम क्लियर हुआ था, और अब जो दिल्ली पुलिस का दे रखा है वो भी मेरा क्लियर है। ओल्ड में थी तुम? Yes, ma'am. अच्छा, कितने दिन पढ़ी बेटा? दो साल। नाम क्या है तुम्हारा? नेहा। नेहा ने दो साल मेहनत की ओल्ड जनरल बैच में, मन लगा के पढ़ी, और देखो आज ये यहाँ है मिठाई के डब्बे के साथ। केवीएस में इसका सिलेक्शन हो गया, फिर ये इंटरव्यू के लिए पढ़ी। जिसकी तैयारी अच्छी हो उसका इंटरव्यू जनरली पास हो जाता है, बस कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होना चाहिए। अनु, दो साल में तुमने कई पेपर दिए होंगे? नेहा, कई पेपर दिए होंगे तुमने ना? उस पेपर में कई फेल भी हुए होंगे? चलो अब देखो, ये तुमसे अलग कैटेगरी में है। यहाँ तक आने का मतलब, वहां से यहाँ तक में बहुत लंबा सफर होता है। कोई वो एक साल में पूरा करता है, कोई दो में, कोई तीन में, ये डिपेंड करता है कि हमारा 95% हमारी मेहनत और 5% लक। लक इसीलिए क्योंकि कई बार सरकार फॉर्म निकालती है, पेपर नहीं लेती, पेपर लेती है तो फिर उसका लंबा रिजल्ट आगे तक के लिए छोड़ देती है। 5% हमारा लक है कि हमें कितना लंबा स्ट्रगल करना है, पर 95% हमारी मेहनत है। बिना मेहनत के 5% लक अकेला किसी का काम नहीं कर सकता। 95% मेहनत में 5% आज नहीं कल तुम्हारे साथ आ जाएगा। जैसे ईश्वर भी देखता है बेटा, नियति देखती है, किस्मत, ये प्रकृति सब देखती है। जो लगातार मेहनत करता है ना, हो सकता है उसका स्ट्रगल थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन फाइनली उसको सक्सेस मिलेगी। और नेहा हमारे बीच में, दो साल की इनकी जर्नी कैसी रही ये अपने आप तुम्हें बताएंगी, ताकि तुम भी समझ सको, सीख सको। और जो यहाँ तक आता है ना, ये मानो अपने आप मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि यार ये उस भीड़ में से, एक हिस्से में से उठ के यहाँ तक आ गई। अब ये केवीएस में टीचर बन गई। पीआरटी में हुआ बेटा? पीआरटी में। इसको अब जो बच्चे पढ़ाने के लिए मिलेंगे, ये उनके जीवन को एक दिशा देने के काबिल बन गई। तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है टीचिंग। तो जैसे मैं खुद भी टीचर हूँ, मुझे लगता है टीचिंग में मजे हैं। टीचिंग में आप हमेशा ना, एक होता ना कि जवान तो रहते ही हैं, आप हमेशा एनर्जी का लेवल हाई फील करते हैं। अब जैसे तुम लोग जो बातें कर रहे हो, मान लो मैं कहीं कुछ भी होती तो मैं क्या करती, मैं टेबल पे बैठ के फाइल्स का काम कर रही होती। जैसे जो जिंदगी जीने का मजा है ना, वो तब है जब आपके पास नौजवान लोगों का एक बड़ा, मतलब या बच्चे, छोटे बच्चे भी बहुत मजेदार होते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनके साथ आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां, आप स्कूल जाके भूल जाते हैं। तो ब्लेस्ड हैं वो लोग जिनको किसी की जिंदगी को एक दिशा देने का मौका मिले, उनमें से नेहा हमारे बीच में। तो नेहा थोड़ा सा अपना साझा करेगी अनुभव। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर बैठे लगभग सब बच्चे जानते होंगे मुझे, ये वाली टोली जानती है। मेरा नाम नेहा है और मैं केवीएस में पीआरटी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है मेरा। 10 दिन की ज्वाइनिंग होने के बाद अब मैं यहाँ पे आई हूँ मिठाई खिलाने के लिए। हाँ जी मैम, विंटर वेकेशन चल रही है गुवाहाटी में, असम। स्ट्रेंथ मैम, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट है और हर एक क्लास में दो दो सेक्शंस बना रखे हैं, तो लगभग 1000 के अप्रोक्स बच्चे हैं। नहीं मैम, जो मिलिट्री एरिया वाला एरिया है वहाँ पे, तो जो आर्मी वाले बच्चे हैं ना, वो हैं मोस्टली। असम का तो बहुत कम है। हाँ, लोकल क्राउड बहुत कम है, मिक्सचर है। हाँ जी, यस मैम, मिलिट्री एरिया है वहाँ पे, कैंट एरिया, उसके अंदर स्कूल है। तो सिविलियंस की तो वहाँ पे एंट्री भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बच्चे भी फौजी वाली बस में आते हैं, वहीं से उसमें जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। कम से कम 3-4 एग्जाम्स मेरे ऐसे थे, कोई एक नंबर से, कोई दो नंबर से, ऐसे रही। एक बार मेरा BSF का एग्ज़ाम था, उसके लिए मैंने स्पेशल टाइपिंग की थी, मैंने टाइपिंग का कोर्स लिया था। उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, वो मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उसके लिए एक तो पढ़ाई की, एग्ज़ाम क्लियर किया, दूसरा मैंने टाइपिंग के लिए अलग से किया। तो उस दिन मेरे को इतना बुरा फील हुआ था, मैं कहा हे भगवान
या नौकरी कद लगेगी? नहीं, हमारे पूरे परिवार में, पूरी फैमिली में, ताऊ चाचा मामा बुआ फूफा सब में कोई नहीं, मैं पहली हूँ लड़की हूँ। हाँ जी, अब फिलहाल मेरे बहुत सारे एग्जाम क्लियर हैं। मैंने हरियाणा पुलिस का भी दिया था, वो भी क्लियर है। मेरा एक दुर्गा शक्ति वाला भी क्लियर हुआ था। उसके बाद मेरा चंडीगढ़ पुलिस वाला भी एग्जाम क्लियर हुआ था, और अब जो दिल्ली पुलिस का दे रखा है वो भी मेरा क्लियर है। आप तो ओल्ड जनरल वाले हो, आपको इतना ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत तो है नहीं कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, बस अपना लगे रहो, ये हताश मत हो, छोड़ो मत बस बीच में, ठीक है? बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। बेटा देखो, जब नंबर नहीं आता तो हर जगह से फेलियर मिलता है। नेहा से सीखने को मिला ना, और क्या कह रही है, अब जब लगी नौकरी तो 5-6 जगह पेपर पास है। अब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया 31 तारीख को, उसमें भी इसका हो गया। पर बेटा जितना तुमने बताया ना, उसमें बेस्ट जॉब यही है, टीचिंग से ऊपर कुछ नहीं है। बस ये है, हाँ तुम्हें घर से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, और बहुत जल्दी यहाँ पोस्टिंग भी नहीं करेंगे ना, 2.5-3 साल में आ जाएगा। हाँ, हार्ड स्टेशन। पर पता है क्या बेटा, देखो दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो मिल गया उसी में दुख ढूंढना है कि हो तो गया, 2 दिन बाद हाय हुआ गुवाहाटी में जाना पड़ गया, हाय इतना दूर जाना पड़ गया। हमेशा खुश रहो, और मुझे लगता है ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनको भारत दर्शन का मौका मिल जाए। आप इसे एक जगह कुएं के मेंढक बन के क्या सीखेंगे? अब वहाँ गई, वहाँ का कल्चर, खान पान, रहन सहन, थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं क्योंकि आप एकदम से नए माहौल में हैं, नए लोगों के बीच हैं, लेकिन इसको भी ना, लाइफ एक जर्नी है बेटा, ये एक रेल है आपका, आप इंजन के खुद के ड्राइवर हैं। इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, थोड़ा ट्रेवल करेंगे, फिर उतर जाएंगे। अब जैसे ये यहाँ थी, जो लोग इसके संगी साथी हैं, जो इसको जानते हैं, वो इसकी उस रेल में कुछ दिन तक इसके जीवन की पटरी पे साथ साथ चले, अब वो उतर गए। अब इसके नए साथी, जहाँ ये जाके जुड़ गई, वहाँ टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वो सब इसके कुछ टाइम के साथी हैं। फिर उस रेल में से उनका भी सफर पूरा उतर जाएंगे, फिर कहीं ये नई जगह पोस्टिंग जाएगी। ये हम सबकी लाइफ का पार्ट है। इस लाइफ में सबसे लास्ट तक हमें ही चलना है अकेले को। उस बीच में कुछ लोग बढ़िया पैसेंजर होते हैं, जिसमें हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे, लेकिन फाइनली सबने उतर जाना है। एक दिन सबका स्टेशन आएगा, सबने उतर जाना है, चलना अपने अकेले ने है। तो बहुत अच्छी बात है कि जिस सफर पे चल रहे हैं, ये सोचना चाहिए कुछ चीजें डेस्टिनी में है, इसके नसीब में, इसके भाग्य में गुवाहाटी का आटा लिखा था, वो इसने खाना था, ये वहां पहुंच गई। तो ये सबकी चीजें डेस्टिनी में लिखी हैं। गुवाहाटी की तो चाय फेमस है ना, पर आटा तो खाएगी ना, रोटी तो खाएगी, चाय चाय पी के काम नहीं चलेगा। तो वहां इसने पहुंच के अपना वो एक स्टेशन है। ऐसे सबकी लाइफ है बेटा, ये ICS तुम्हारी लाइफ का, उस जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है। एक दिन सबने चले जाना है, जो अपनी जैसी यादें बना के चला गया वो चला गया। कोशिश करो पॉजिटिव रहो, यहाँ से अच्छी चीजें लेके जाओ। यहाँ गलत संगत भी है, कुछ लोगों का तो ध्यान भी नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, बस जब छुट्टी का टाइम होगा तो उठ के चल पड़ेंगे। तो बेटा ये सबके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग इस धरती पे जिंदगी को जीने आए हैं, बहुत सारे लोग जिंदगी को काटने आए हैं। तो जिंदगी काटने वालों में से नहीं बनना, जिंदगी जीने वालों में से बनना है। लाइफ को एंजॉय करो, जहां हो, जिस हालात में हो। सोचो हम कितनों से तो ज्यादा सुखी है ना, हमसे नीचे हर घड़ी। मेरे फादर हमेशा कहते थे, जैसे मैं बहुत रिच नहीं थे हम लोग, मेरे फादर एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब में थे, हाँ पेट बढ़िया भरता था, कोई चिंता नहीं थी कि किताबें कहाँ से आएंगी या जूते चप्पल कहाँ से आएंगे, क्योंकि सैलरी में इतना जिंदगी आराम से कटती है। पर वो हमेशा कहते थे कि खुश रहना है तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, और सोचो हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ये है। जैसे बचपन की वो बातें आज तक मैं फील करती हूँ मेरे अंदर है। अब कितनी ठंड है ना, मैं रोज भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ओढ़ने के लिए अच्छा कंबल है, एक अच्छा कमरा है, एक अच्छा घर है। कितने लोग उसी ठंड में रेलवे स्टेशन के बाहर पड़े हैं, कितने लोग हैं जो टेंट का अपना घर बना के रह रहे हैं। तो सोचो तुम सब उनसे ज्यादा लकी हो, उनसे ज्यादा ब्लेस्ड हो। बेटा मेहनत तो हर किसी को करनी है,
हर किसी को. ऐसा नहीं कि मोदी जी जो है मेहनत नहीं करते, उनकी अपनी टेंशन है, अंबानी की अपनी है, हमारी अपनी है, तुम्हारी अपनी है, सबके भाग्य में परेशानियां लिखी हैं, वो आएंगी. अगर धरती पर आए हो ना तो ये बात मान लो कि जिंदगी में उतार चढ़ाव, परेशानियां आनी ही आनी है, बस रूप अलग अलग होता है. मेरी परेशानी तुम्हारी परेशानी से अलग होगी, लेकिन परेशान हम सब हैं. उस परेशानी को दिमाग पे बहुत हावी नहीं करना और सोचो ये दिन भी बीत जाने हैं. जब परेशानी आए तो सोचो बीत जाना है. इसको अब ये नहीं सोचना कि बीत जाना है, इसको है कि मुझे जिंदगी अब जीनी है, मैंने एक चीज हासिल कर ली. तुम उस पड़ाव में हो कि ये सफर जो हमारा चल रहा है, स्ट्रगल का दौर, ये एक दिन बीत जाएगा और एक दिन हम भी जाके यहाँ खड़े होंगे, हम भी एक घड़ी ले रहे होंगे, हम भी अपनी लाइफ स्टोरी लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे. जैसे इसकी जिंदगी के हर वाक्य की अब कीमत हो गई, कारण इसने मेहनत कर ली. तुमसे तुम्हारी लाइफ कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन इसकी लाइफ के बारे में सुन के तुम्हें अच्छा लगा कि पहले ये फेल हुई, मेहनत की, फिर ये पास हो गई और इसने कितने एग्जाम्स क्लियर किए. इससे ये पता चलता है कि उतार चढ़ाव पार्ट ऑफ लाइफ हैं. वो उतार चढ़ाव कभी आपके यार दोस्तों के कारण आते हैं, कभी आपकी फैमिली के कारण आते हैं, कभी आपके प्रोफेशन में भी आएंगे. जब आप नौकरी में जाएंगे ना, ऐसा नहीं नौकरी मिलते लाइफ बड़ी ईजी है, आपको परेशानी होगी काम धाम के साथ साथ, उससे डील करना, इसी को लाइफ बोलते हैं. और ये दो ही तरह के लोग हैं, या तो पॉजिटिव हैं या तो नेगेटिव. तो पॉजिटिव साइड देखो, हमेशा फील करो कि यार जहां हैं बहुत दुनिया से तो हम आज भी आगे हैं. तुम जहां बैठे हो ना, तुम करोड़ों करोड़ों लोगों से आज भी आगे हो. अब मेहनत करते जाओ. अपनी खुद की लड़ाई अपने आप से है, मुझे बेहतर बनना है, मुझे अच्छा करना है. किसी और के पास क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा वो चीज तुम्हें देने वाले हैं या वो यूज करने के लिए तुम्हें देंगे. हमें अपने हालात सुधारने, अपने घर की स्थिति बदलनी है, अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, बस ये मोटो लेके. किसी को नीचा दिखाना या उससे आगे निकलना, ये कभी टारगेट मत रखो. मैं जहां हूं मुझे यहां से आगे बढ़ना है. जिस दिन लाइफ में ये मोटो बनाना आ गया, उस दिन जिंदगी आगे बढ़ जाएगी. खुश रहो, पॉजिटिव रहो, और अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको हमेशा सोचते चलो. जब नेगेटिव दौर आए तो सोचो कोई बात नहीं, ये समय बीतना है, कुछ समय का दौर होता है, समय बीत जाएगा. जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन हमारी मेहनत सामने आएगी. तो मेहनत करते रहो नेगेटिव टाइम में ज्यादा, क्योंकि जब अच्छा टाइम आएगा ना तो मेहनत का सफलता तभी हासिल हो पाएगी, मेहनत का फल तभी मिलेगा. तो नेहा बहुत अच्छा लगा तुम आई, ऑल द बेस्ट. नेहा की घड़ी हमें, और अपनी इस घड़ी के ढाई को ठीक कर लो, है ना. चलो, नेहा ने अपना समय बदल लिया, ये समय तुम्हें भी बदलना है. और सबको कोशिश करनी है कि घड़ी 2024 में तुम सबके घरों की दीवारों तक पहुंचे. 24 में अपने घर पे ये दीवार पे लगानी है घड़ी, अपना टारगेट बना लो. थैंक यू बेटा, मेरी तरफ से तुम भी खा लो, बहुत बहुत मुबारक हो. अच्छा पढ़ाना बच्चों को, दिल जान लगा के बिल्कुल, है ना, कि भाई मैं जिनको पढ़ाऊं वो मुझे याद करें कि हमारी एक मैम थी नेहा, बहुत अच्छा पढ़ाया. जहां है वहां बेस्ट करें बेटा, चाहे फर्स्ट को पढ़ाना है, चाहे पांचवी को, चाहे किसी क्लास को. ये सोचना कि मैं इसकी जिंदगी को एक शेप दे रही हूं, तो मुझे अपना बेस्ट करना है. और तुमने खूब अच्छी पढ़ाई कर रखी है. मुझे इतना पता है जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ के गए हैं बहुत अच्छे टीचर बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि वो रटवाएंगे नई चीज़ों को. अब जब ये साइंस पढ़ाएगी, सोशल पढ़ाएगी, जो भी पढ़ाएगी, ये बहुत अच्छा पढ़ाएगी. बस ये ध्यान रखना, बाकी टीचर कामचोर हों तो भी हमें अपना काम करना है. ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा.